स्टूडेंट वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ अप्लाइड अलजेब्रा पार्ट टू। इन द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन साइफर विच इज द ट्राइफिड एंड प्लेफेयर साइफर। नाउ वी हैव ओनली लास्ट टू साइफर्स रिमेनिंग विच इज फोर स्क्वायर एंड हिल साइफर। Now we can start with the four square cipher. The four square cipher uses four 5x5 square matrices. Yani humne last jo poly by square kiya tha usme ek humne 5x5 ka matrix istemal kiya tha. Theek hai, ab humne isi tarah ke 5x5 matrices four istemal karne hain jisme do plain text ko represent karenge, do cipher text ko represent karenge. Arrange in a square. Each of the 5x5 matrices contain the letter of alphabets, usually omitting Q or putting both I and J in the same location to reduce the alphabet to fit. तो हमने I और J को same position पे लिया हुआ। ठीक है, बहुत सी books में Q को omit किया हुआ, लेकिन हमने जो अपने इसमें lecture में किया है, वो I और J को same position पे किया। In general, the upper left and the lower right matrices are called plain text. जो upper left होगा और जो lower right होगा उसको हम plain text square कहेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास upper right और lower left होगा उसको हम cipher text कहेंगे। अभी हम देखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, ये दो plain text के matrices होंगे और दो cipher text के matrices होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने four squares को लेना है और हर एक जो matrix होगा वो 5x5 का होगा जिसमें आई जे की पोजिशन सेम होगी। ठीक है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पर आते हैं। टू जनरेट अ साइफर टेक्स्ट स्क्वायर्स वन वुड फर्स्ट फिल इन द स्पेसेस इन द मैट्रिक्स विद द लेटर ऑफ अ कीवर्ड और फ्रेज ड्रॉपिंग एनी डुप्लीकेट लेटर्स। सबसे पहला काम अपने ये करना है कि आपको इसमें दो सेपरेट कीवर्ड्स गिवन होंगे, सही है, लाजमी। इसमें फोर स्क्वायर में इन दो जो आपके पास कीवर्ड गिवन होंगे, इससे आपने अपने दो मैट्रिसेस बनाने 5x5 के। ठीक है, वैसे जैसे हमने लास्ट कुछ साइफर्स में किया है, अपने कीवर्ड्स को डालना है, डुप्लीकेट्स को आपने ड्रॉप कर देना है, बाकी रिमेनिंग से स्टार्ट कर देना है। एंड देन फिल द रिमेनिंग स्पेसेस विद द रेस्ट ऑफ द लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन ऑर्डर। ठीक है, द फोर स्क्वायर एल्गोरिथम अलाउज फॉर टू सेपरेट कीज, दो सेपरेट कीज होंगी, वन फॉर ईच ऑफ द साइफर टेक्स्ट मैट्रिक्स, सही है। और इन की से जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे साइफर मैट्रिक्स को। लेट अस कंसीडर एग्जांपल एंड कीवर्ड एज अ टू कीवर्ड, सही है, हम दो कीवर्ड ले रहे हैं, एग्जांपल है और एक कीवर्ड है, और प्लेन टेक्स्ट हमारा दिस इज अ सीक्रेट मैसेज। ठीक है, सबसे पहला काम हमने करना है अपने स्पीकर डायग्राफ में इनको पेयर्स में करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट होगा, दो आपके पास कीज होंगी, तो पहले आप अपने प्लेन टेक्स्ट को डायग्राफ यानी पेयर्स में ब्रेक कर लेंगे इस तरह, सही है। अगर आपके पास कोई एक अकेला रह जाएगा तो आपने x को ऐड कर देना है, ठीक है, और इसका पेयर बना लेना है। यू मस्ट ऐड इफ वी हैव ओनली वन लेटर लेफ्ट फॉर डायग्राफ। ठीक, लेकिन इसमें तो आप पेयरिंग पेयरिंग हो रही है, लेकिन अगर कोई बच जाता तो हम उसको x से पेयरिंग बना लिएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये कि आपने इसकी पेयरिंग बना लेनी है। फिर आपने क्या करना है, वंस दैट वॉज कंप्लीट यू वुड टेक द फर्स्ट पेयर ऑफ लेटर्स एंड फाइंड द फर्स्ट लेटर इन द अपर लेफ्ट स्क्वायर एंड द सेकंड लेटर इन द लोअर राइट स्क्वायर। तो पहला आपने अपर लेफ्ट में देखना है लेटर, और जो पेयर का दूसरा होगा उसको आपने लोअर राइट पे देखना है। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब बनाना किस तरह टेबल। ठीक है, ये आपके अब ये फोर ए की साथ बनेंगे चार स्क्वायर, तो ये पहले हम इसकी बात करते हैं, सही, अपर लेफ्ट है, तो ये हमने ए बी सी डी कर दिया, सही, इसमें क्यू को इसने ओमिट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने कैसे करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे की हमारी पोजीशन सेम होगी। ठीक है, इसमें इसने क्यू को ओमिट किया हुआ है, तो आप क्यू को ओमिट कर लें, आई जे की कर लें, आप पर मैं आप आपकी मर्जी है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल में इसने क्यू को ओमिट किया हुआ, सही है, एम एन ओ पी क्यू नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को क्यू से ओमिट करके सॉल्व किया, आप आई और जे को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्यू आ जाएगा, तब भी 5x5 बनेगा। खैर, यहाँ पर आपने अपने अल्फाबेट्स लिख देने और जो लोअर राइट होगा उसमें, यानी इन दोनों में आपने अल्फाबेट्स लिख देने, अपने इन दोनों में अपने अल्फाबेट्स लिख देने, और जो ये क्रॉस वाले होंगे यानी अपर राइट जो होगा उसमें अपने अपने पहली कीवर्ड डालने, पहला कीवर्ड था एग्जाम्पल था, तो ई एग्जाम ए पी एल ई आ चुका तो ई को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, फिर बाकी अपने वही ए आ चुका तो बी सी डी ई एफ जी एच अपने पूरे अपने जो है मैट्रिक्स जो कंप्लीट कर लेना। इसी तरह कीवर्ड यहाँ था, कीवर्ड आपने यहाँ रखा है इसको। ठीक है, कीवर्ड रखने के बाद आपने इसको वही किया कि जो रिपीटिंग वर्ड्स थे उसको आपने ड्रॉप कर दिया।
ठीक है, जैसे आपके पास कीवर्ड है, सही है। अब यहाँ पर ए बी सी आ रहा है, सही है, डी आ चुका है और ई आ चुका है, इसको छोड़ देंगे, बाकी स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो आपके पास अपर लेफ्ट का और लोअर राइट जो होगा ये प्लेन टेक्स्ट होंगे, और अपर राइट और लोअर लेफ्ट जो होगा वो साइफर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेंगे जो आपने कीवर्ड से बनाए होंगे। ठीक है, अब हमारा पहला फैक्टर दिस का, हमने पहला जो पेयर बनाया टी एच था, तो टी को आपने यहाँ देखना है और एच को यहाँ देखना है, यानी पहले पेयर को आपने यहाँ देखना है फर्स्ट वाले इसमें अपर लेफ्ट में, और दूसरे वाले पेयर को आपने लोअर राइट में देखना है। ठीक है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग आपने एक ट्राइंगल बनाना है, यानी ये जो टी है ये मूव कहाँ पर करेगा, एच पे जाने के लिए, तो आर से मूव कर जाएगा, इस आर को हाईलाइट कर देना, और ये एच टी पर जाने के लिए कहां से टर्न लेगा, वो लेगा बी से टर्न लेगा, सही, इस कॉलम पे जाने के लिए। तो टी का जो आर बन जाएगा और एच का जो बन जाएगा वो बी बन जाएगा, ये आपका साइकिल हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, एच का बी बन जाएगा और टी का आर बन जाएगा। इस तरह आपने बारी बारी इन सबको चेक करना होगा, इन इससे ये लिखा हुआ टी एच वी लुक एट टी एन एच इन द ग्रिड बिलो सी ब्लू कैरेक्टर्स, नाउ फाइंड वी फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ द प्लेन टेक्स्ट लेटर, इन दिस एग्जांपल दे हैव द हाइलाइटेड इन रेड, सही है। तो ये आर भी आपका बन जाएगा, ये भी बन गया। अब आई एस का देख लेते हैं, सेकंड लेटर हमारा, यहां से दिखाता हूं आपको सेकंड पेयर के आई एस। अब आई एस को देखते हैं, एक आई यहां पर है और एक एस यहां पर है, तो ये आई एस पे जाने के लिए टर्न लेगा वो कहां से लेगा, सी से लेगा, तो आई का बन जाएगा सी और एस का बन जाएगा पी, ये ले सी पी। ठीक है, तो इस तरह आपने बारी बारी अपने पेयर्स को करके साइफर टेक्स्ट बना लिया, सिंपल सा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, डिक्रिप्शन में इसका पोजिट कर देना है, फॉलो द पोजिट साइड डिक्रिप्शन आफ्टर मेकिंग डायग्राफ। तो जैसे लेट सपोज ये आपके पास साइफर गिवन दे, आपने सबसे पहले इसको डायग्राफ में करना है, नहीं पेयरिंग में करना है। ठीक है, अब आर भी आप देखें, तो अब आर भी कहाँ देखेंगे, अब आर भी इसमें देखेंगे, अपने साइफर्स में देखेंगे, जिस जो आपने कीवर्ड से बनाया हुआ आर बी को आपने पहले इसमें देखना है, और इस आर के करस्पॉन्डिंग टी होगा और बी का एच हो जाएगा। ठीक है, उल्टा रिवर्स अपोजिट कर दे इसके, प्लेन टेक्स्ट को यहां से देख के यहां रखना है तो आपको साइफर मिलेगा, और अगर आपके पास साइफर गिवन है तो आपने उसको यहां रखना है और यहां से आपको प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, इसके अपोजिट मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप एक ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम व्हाट्सएप ग्रुप पे। नेक्स्ट हमारे पास है हिल साइफर, और ये आपका है आज पहला असाइनमेंट अप्लाइड अलजेब्रा पार्ट टू का। द हिल साइफर वाज इन्वेंटेड बाय लेस्टर एच एस इन 1929 एंड लाइक द अदर डायग्राफिक साइफर्स इट एक्ट्स ऑन ग्रुप्स ऑफ लेटर। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ लेटर पे काम करेगा, और 1929 पे ये लेस्टर एस हिल साहब ने इन्वेंट किया था। Unlike the others, though it is extendable to work on different size blocks of letters, so technically it is polygraphic substitution cipher, as it can work on diagraph, trigraph, or theoretically any size of blocks. ये अपनी कंडीशन के रिस्पेक्ट से हम इसको डायग्राफ ट्राइग्राफ या उसके हिसाब से एनी ब्लॉक ऑफ साइज हम इसका ले सकते हैं। साइफर यूजेस एन एरिया ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा। ये मैंने आपको फिजिकल क्लास में बताया था कि आपको हिल साइफर खुद करना है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूंगा। ठीक है, ये आपका पहला असाइनमेंट है। तो लीनियर अलजेब्रा और जो जिसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिसेस है, जो मॉडल अर्थमेटिक निकाल सकता है, उसके लिए ये बड़ी काम की चीज है। ठीक है, तो वो ये असाइनमेंट को आराम से कर सकता है। द हिल साइफर यूजेस एन एरिया ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड लीनियर अलजेब्रा एंड इन पर्टिकुलर रिक्वायर्स द यूजर्स टू हैव एन एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिसेस। इट आल्सो मेक यूज ऑफ मॉडल अर्थमेटिक लाइक द फाइन साइफर। जैसे फाइन साइफर में यूज करते हैं मॉडल अर्थमेटिक, बिकॉज ऑफ दिस साइफर हैज अ सिग्निफिकेंटली मोर मैथमेटिकल नेचर देन सम ऑफ द अदर। ठीक है, तो पहला हमारे पास साइफर है जो मैट्रिस से सॉल्व होगा, जिसमें मैथमेटिकल जो वर्किंग वो थोड़ी ज्यादा होगी। हाउएवर इट इज दिस नेचर दैट अलाउ इट टू एक्ट रिलेटिवली इजीली ऑन लार्जर ब्लॉक्स ऑफ लेटर। ठीक है, तो पहला असाइनमेंट आपका 10 मार्क्स का है। वो असाइनमेंट कुछ इस तरह का है कि सॉल्व एनी फोर एग्जांपल ऑफ हिल साइफर कंसिस्टिंग ऑफ 3x3 मैट्रिसेस फॉर द प्रोसेस इंक्रीशन डिक्रीशन। आपने कोई ऐसी चार एग्जांपल ले ली है जिसमें से आपकी दो इंक्रिप्शन क्यों होंगी एग्जाम्पल और डिक्रिप्शन क्यों होंगी, इनका रिवर्स नहीं करना, जैसे जैसे आपने इनक्रिप्ट किया उसी को रिवर्स करके डिक्रिप्ट कर दिया, नहीं, बल्कि दो न्यू एग्जाम्पल होंगी, दोनों मुख्तलिफ होंगी इनक्रिप्शन के, दोनों मुख्तलिफ होंगी डिक्रिप्शन की। ये चार एग्जाम्पल आपने सॉल्व कर लिए। जो मैट्रिसेस का ऑर्डर लेना है वो 3x3 का लेना है। मैं आपको अभी एक हैंड आउट दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें आपको एग्जाम्पल सॉल्व होकर दिखाई गई है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो आपने समझना अच्छी तरह से, मॉडल ऑर्थोमेटिक किस तरह निकाला है वो भी आपने अच्छी तरह देखना है इसको, वो 2x2 से सॉल्व किया हुआ होगा। सही है, तो यही प्रोसेस, वही प्रोसेस आपने 3x3 के लिए लगा रहा है। सही है, वैसे तो 4x4 के लिए दिया था लास्ट टाइम मैंने, लेकिन अब मैं 3x3 के लिए दे रहा हूँ। तो आपने चार
एग्जाम में 3x3 मैट्रिसेस या कोई रैंडम मैट्रिसेस लेने हैं, सही है, कोई रैंडम एग्जाम्पल ले लेनी है, सही, कोई से भी, लेकिन आपने इंक्रिप्शन की दो अलग होंगी और डिक्रिप्शन की दो अलग होंगी, इनका लिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार एग्जाम्पल आपने करनी है और नेक्स्ट वीक तक आपके पास टाइम है, ये आप जब कर लें तो मुझे आप ईमेल कर दें सारे, ठीक है, ईमेल कर दें या फिर आप इसकी स्नैप पिक्चर्स लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे कि सबमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है, या मैं गूगल क्लासरूम पे एक असाइनमेंट का वो बना दूंगा लिंक, वहाँ पे आप सब सबमिट करा दिएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपका असाइनमेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है वो कम्प्लीट हो गया, नेक्स्ट हम नेक्स्ट साइफर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और हमारा ये प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी चल रहा है जिसमें से हमने मोनो अल्फाबेटिक, पॉली अल्फाबेटिक और पॉलीग्राफिक सब्स्टिट्यूशन साइफर ये हमने सारे कर लिए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स पे काम करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।